राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवर कड़े नजर आए हैं। अपनी ही सरकार गहलोत सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, यदि उनकी तीनों ही मांगे पूरी नहीं हुई तो वह राज्य में आंदोलन छेड़ देंगे। और दूसरी ही तरफ ये दावे किए गए कि सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। 11 जून का दिन उनके लिए काफी खास रहा क्योंकि 11 जून के दिन उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि थी और इस मौके पर दौसा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और दूसरी ही तरफ गहलोत सरकार पर बीजेपी पर निशाना भी साध दिया। ऐसे में यहां पर यह साफ हो चुका है कि सचिन पायलट नई पार्टी का गठन नहीं करने वाले हैं। आखिरकार उन्होंने नई पार्टी का गठन क्यों नहीं किया, अब यहां पर तमाम वजह भी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल सचिन पायलट को लेकर अब ये अहम दावे किए जा रहे हैं कि कुछ बड़ी वजह रही, इसी वजह से उन्होंने नई पार्टी का गठन नहीं किया। हालांकि खबरें तो ये भी सामने आई कि सचिन पायलट की पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस या फिर राज्य जनसंघर्ष पार्टी हो सकता है, लेकिन इन सभी खबरों पर अब विराम लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर अब यहां पर ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि सचिन पायलट ने जो संकेत दिए थे वो संकेत अब निराधार रहे, वह कांग्रेस में रहेंगे। और ऐसे में सचिन पायलट को लेकर सियासी पंडितों का कहना रहा कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते तो उन्हें और कांग्रेस दोनों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता। सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाते तो विधानसभा चुनाव के लिए अब कम समय बचा है, तो ऐसे में अपनी पार्टी को वह मजबूती नहीं दे सकते थे। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सामने आया है कि नई पार्टी बनाना और उसका पूरा संगठन तैयार करने में वक्त लगता, चुनाव आयोग में नई पार्टी का आवेदन कर पूरी प्रक्रिया करने में भी वक्त लगता, पायलट के लिए यह फैसला घातक साबित हो सकता था। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी को वाकई में मजबूत कर पाते, क्योंकि राजस्थान देश के गिने चुने राज्यों में है जहां तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाया, बीजेपी और कांग्रेस यहां पर अब तक देखने को मिल रही है, तो 35 सालों में ये यहां पर सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो सकता था। तीसरी बड़ी बात सामने आई है कि सियासत में कदम रखे हुए सचिन पायलट को 25 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है। पायलट केंद्र में मंत्री के साथ साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। सचिन पायलट के ज्यादातर समर्थक कांग्रेसी हैं और अगर पायलट नई पार्टी बनाते तो समर्थक उन्हें छिटक सकते थे। ऐसे में नई पार्टी बनाना सचिन पायलट के लिए नुकसानदायक ही हो सकता है। तो ऐसे में सचिन पायलट को अब यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। देखते हैं कि पार्टी हाईकमान उन्हें क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट केंद्रीय संगठन में काम करें, ऐसा पार्टी हाईकमान चाहते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहां के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और ये आप लोग सब जानते हो, मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई, और मेरा जो विश्वास और वादा है उस पर ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों, बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में विपक्ष में मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है, और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी
कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आज तमाम साथी यहां पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा, गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा, मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गया, मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी, मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया, अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपने अंतरात्मा को सुनता हूं और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहां पर लगी है, मूर्तियां बहुत लगती है, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित कर दिखाया हो